नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही चलाए और बचत कमाए। मोहन सरकार के एक साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दो में लगाई गई योजनाओं की प्रदर्शनी। दमो नगर पालिका से अलाव की व्यवस्था में भारी परेशानी। ग्राम पंचायत और विकास के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार, नहीं हो रहा है विकास। पथरिया में छात्रा से गैंगरेप मामले में शिक्षा विभाग कुंभकर्णी निद्रा में, अब तक नहीं कर पाया कोई जांच। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे ठंड की। लगातार शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है और लोग ठंड से बचने के उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन उपाय नाकाम साबित हो रहे हैं। लगातार ये देखा जा रहा है, शहर की सड़कें सूनी हैं। विशेष रूप से रात्रि के समय लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं, लेकिन नगर पालिका के द्वारा जो अलाव जलाए जा रहे हैं उसमें केवल खाना पूर्ति की जा रही है, क्योंकि लगातार मीडिया में ये खबर छाई हुई है। अब देखिए, ये नगर पालिका के द्वारा व्यवस्था की गई है, जितनी लकड़ी आपको नजर आ रही है केवल इतनी लकड़ी ही उपलब्ध कराई जा रही है। इन लकड़ियों में पूरी रात गुजारना है, ऐसे में काफ़ी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खास बात यह है कि ये मरीज जो आते हैं जिला अस्पताल में, उनके लिए अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन कितनी लकड़ी थी आपने देख लिया। इसके अलावा बस स्टैंड हो या फिर शहर के कुछ इलाकों में ये अलाव की व्यवस्था की गई है, लेकिन अलाव में पर्याप्त लकड़ी नहीं है। बताया जाता है टेंडर हुआ नहीं है, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन लगातार मीडिया में खबर आ रही थी, जिसके बाद मजबूरी बस दमो नगर पालिका के द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के प्रभारी जितेंद्र पटेल से जब हमने बात करनी चाही तो उनका कहना था कि मीडिया के सामने वह कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि लगातार खबरें दिखाई और प्रसारित की जा रही हैं, जिसके चलते उन्हें बार बार जवाब देना पड़ रहा है। आप देख लीजिए, तस्वीरों में हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरह से अलाव की व्यवस्थाएं की गई। ये शहर के मुख्य चौराहे हैं जहां पर अलाव नज़र नहीं आ रहे हैं, केवल कुछ स्थानों पर ही अलाव की व्यवस्था की गई है, शेष स्थानों को अलाव से मुक्त रखा गया है। लोग परेशान हैं, ठंड में रात्रि के समय बाहर से आने वाले लोग भी परेशान होते हैं। विशेष रूप से जिला अस्पताल में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, जहाँ पर मरीजों का जमाव बना रहता है, उनके साथ जो परिजन आते हैं उन्हें भी ठंड से लगातार मुकाबला करना पड़ रहा है। अभी आगे और भी ठंड बढ़ने वाली है, ऐसे में नगर पालिका की लापरवाही भारी पड़ सकती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज, दमोह। दमोह शहर का एक ऐसा पार्क जिसका नाम है भारत माता पार्क, लेकिन यहाँ पर लगातार अव्यवस्थाएं और दुर्दशा इस पार्क की कहानी स्वयं बयां कर रही है। दरअसल इसमें करोड़ों रुपए की राशि खर्च की गई थी, दमो नगर पालिका के द्वारा इस पार्क को बनाया गया था। यहाँ पर कदम संस्था के द्वारा कुछ पौधारोपण किया गया था, जिसके बाद यहाँ पर कुछ अव्यवस्थाएं बताई गई थी। संस्था ने दूसरी जगह पेड़ लगाना प्रारंभ कर दिया था, अब यहाँ कोई वृक्ष लगाने नहीं आता। यहाँ पर जो झूले लगाए गए हैं वह घटिया लगाए गए थे, गुणवत्ताहीन लगाए गए थे, लगातार फर्जी तरीके से बिल निकालने का काम नगर पालिका से हुआ, इसका लाभ किसी को नहीं मिलता। अब यहाँ पर कोई आता भी नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ आता है उसके लिए पर्याप्त कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ना तो यहाँ पर लाइटें हैं, ना ही सफाई है, ना ही झूले हैं, केवल यहाँ पर ग्राउंड है, उसमें भी काफ़ी बड़ी बड़ी घास है, ऐसे में यहाँ पर जीव जंतु भी हो सकते हैं, लोगों को परेशानी में डाल सकते हैं।
जिसके चलते लोग अपने बच्चों को पार्क तक नहीं पहुँचते, जबकि आसपास के इलाके में काफ़ी बच्चे हैं और वहाँ कोई पर्याप्त मैदान भी नहीं है, पार्क में पर्याप्त व्यवस्थाएँ नहीं, जिसके चलते बच्चे यहाँ आना पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं तस्वीरों में एक दो बच्चे ही यहाँ पर पहुँचे हैं। इन बच्चों से जब हमने चर्चा की कि पार्क में क्या स्थिति है, तो उनके द्वारा भी बताया गया वहीं बदहाल व्यवस्था और नगर पालिका के द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पर्याप्त रूप से राशि जारी की गई थी, भ्रष्टाचार की भेंट ये राशि चढ़ चुकी है। भला हो गया है केवल कर्मचारियों का, अधिकारियों का और ठेकेदारों का, आम जनमानस को क्या मिला ये आपके सामने है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर इस पार्क से चंद कदमों की दूरी पर रहते हैं, अगर उनकी नज़रें इस ओर इनायत हो जाती हैं तो निश्चित रूप से इसकी स्थिति बदल जाएगी। बच्चे क्या कहते हैं आइए सुनते हैं। आपका माही कहाँ रहती हो? चंद। यहाँ किस लिए आती हो आप? झूलने। झूले साजे हैं या टूटे हैं? टूटे। तो झूल नहीं पाते आप लोग? झूल लेते हैं, साजे भी। लग भी जाता होगा आप लोगों को, टूटे हैं तो लगता है। क्या चाहती हो आप? कुछ नहीं, सुधर जाए। हाँ। सुधर जाएंगे तो अच्छा रहेगा झूलने में। हाँ। बहुत अच्छा लगेगा, देखने लायक होगा। दमोह नगर पालिका इस संबंध में क्या कदम उठाती है? संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह स्टेडियम के हाल बेहाल है। यहाँ पर खेल विभाग के द्वारा एस्ट्रोटर्फ तैयार किया गया था, जिसके बाद हॉकी खेलने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा हुई, लेकिन काफ़ी बड़ा एक स्टेडियम पड़ा है। बताया गया था कि यहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम तैयार होगा, लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा, लेकिन 26 जनवरी को मुख्य समारोह के अलावा इस स्टेडियम में कुछ भी नहीं होता। एक दिन के लिए यहाँ पर सफाई हो जाती है, उसके बाद कोई देखने नहीं आता, पीछे मुड़कर भी कोई नहीं देखता कि इस हालत में ये स्टेडियम है। स्टेडियम में घास हो जाती है, यहाँ पर जो पट्टियाँ बनी हैं वह टूट गई हैं, इसके अलावा गंदगी का आलम है, चारों ओर यहाँ पर गंदगी ही गंदगी पड़ी है। पूरा स्टेडियम यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि कचरा घर बना हुआ है, लोग इस स्टेडियम में कचरा भी डालते हैं, यह भी काफ़ी बड़ी बात है। स्टेडियम चारों ओर से खुला हुआ है, कहीं से भी असामाजिक तत्व यहाँ पर प्रवेश कर जाते हैं, कुछ लोग जुआ खेलते हैं तो कुछ लोग शराब पीते हैं। पूर्व में कई गंभीर घटनाएं भी यहाँ पर सामने आ चुकी हैं, बड़े बड़े यहाँ पर पेड़ हो गए हैं जिन्हें यहाँ से अलग करना ज़रूरी है। खेल विभाग के द्वारा यहाँ पर क्रिकेट का स्टेडियम बनाने की बात पूर्व में कही गई थी, कई स्थानीय नेताओं के द्वारा बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये स्टेडियम है जो अपनी दुर्दशा पर आंसू बह रहा है, इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर आते हैं, और जो लोग आते हैं रात्रि के समय वो यहाँ पर गलत कार्यों के लिए आते हैं। हालांकि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर नहीं जाता, ना तो खेल विभाग से ना ही अन्य किसी विभाग से। अब यहाँ पर सभी का आना जाना और निरीक्षण तब प्रारंभ होगा जब जनवरी का माह आ जाएगा, और यहाँ पर एक ओर प्रैक्टिस की जाएगी व्यायाम की, दूसरी ओर यहाँ पर परेड की प्रैक्टिस होगी, तब अधिकारी यहाँ पहुँचेंगे और इसमें कलर वगैरह किया जाएगा, इसके सुधार की बातें कही जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो पट्टियाँ हैं वे टूटी हैं, चारों ओर गंदगी का आलम है। ऐसे में ज़रूरी होगा व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि यह शहर के बीचों बीच है, इसे अच्छा बना दिया जाएगा तो खेल प्रेमी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, तमाम। मध्य प्रदेश की सरकार को एक वर्ष पूर्ण हो गया है, ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा एक पत्रकार वार्ता आयोजित कर जहां पर योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई थी, तो वहीं प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कुछ इस तरह का नज़ारा है। यहां पर प्रदर्शनी लगाई गई है, तमाम यहां आने वाले लोगों के लिए इस प्रदर्शनी से काफ़ी फायदा मिल सकता है, योजनाओं की यहाँ पर जानकारी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सी विशेष योजनाएँ लागू की गई हैं ये यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। खास बात यह कि रात्रि के समय भी ये प्रदर्शनी यहाँ पर प्रारंभ रहेगी। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा सुबह इसका अवलोकन किया था। हम आपको बता दें कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के एक साल पूर्ण होने के बाद योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज दबाओ। सरकार के गठन को एक वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है। इसमें मध्य प्रदेश की पिछले एक साल की उपलब्धियों को बहुत सुंदर तरीके से और महत्वपूर्ण तरीके से रेखांकित किया गया है। मेरा सभी से अनुरोध है कि आप कलेक्टर कार्यालय में आइए और इस प्रदर्शनी का जरूर अवलोकन करिए, ताकि आप ये जान सकें कि पिछले एक वर्ष में पूरे प्रदेश में कौन कौन सी बड़े कार्य हुए हैं, कौन कौन सी बड़ी उपलब्धियां विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत राज्य सरकार ने प्राप्त की। धन्यवाद। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत सगौनी में विधायक निधि के द्वारा 10 लाख की राशि जारी कर यहां पर पुलिया निर्माण की बात कही गई थी। बरसात में ये पुलिया ढह गई। घटिया निर्माण के चलते केवल 6 माह तक पुलिया यहाँ पर चल पाई। आम रास्ता यहाँ पर बनाया जा रहा है, वह भी काफी घटिया बनाया जा रहा है। मापदंडों का किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा जा रहा है। पहले पुलिया क्षतिग्रस्त हुई और अब यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वह भी काफ़ी घटिया चल रहे हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा खोलकर इसका विरोध किया गया था, लेकिन काम बंद नहीं हुआ। अजय ठाकुर, दशरथ विश्वकर्मा, डेरे सिंह, आशीष यादव, अमित यादव, स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि पुलिया जहाँ 6 माह पहले बनी थी वह ध्वस्त हो गई है, वहीं यहाँ पर घटिया निर्माण कार्य चल रहा है। देखने लायक होगा कि इसमें अधिकारियों की मिली भगत है या फिर ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही हो पाती है। पटेरा से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह नगर पालिका के द्वारा पूर्व में एक प्रदर्शन किया गया था, कुछ समय फोटो सेशन भी चला कि शहर में जो आवारा मवेशी है उन्हें पकड़ा जा रहा है, कुत्तों को भी पकड़ा जा रहा है। लेकिन जिस हिसाब से कुत्ते भी शहर में नजर आ रहे हैं उसे देखकर यही लगता है कि अब नगर पालिका शायद अपने मूल कर्तव्यों से विमुख हो रही है। दमोह शहर में कुत्ते कभी बच्चों को काट देते हैं तो कभी बड़ों को काट देते हैं। लोग परेशान होते हैं क्योंकि ये काफ़ी खूंखार हो चले हैं। बावजूद इसके नगर पालिका के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बीच शहर में कुत्ते यहाँ पर घूमते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जहाँ देखो वहाँ कुत्ते ही कुत्ते नजर आ रहे हैं। दमोह शहर के अनेक क्षेत्रों में ऐसा है जहां पर कुत्तों का इतना आतंक है कि लोग अपने बच्चों को घरों से बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि लगातार इन कुत्तों की वजह से बच्चे शिकार हो जाते हैं। दमोह जिला अस्पताल में भी लगातार ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जहां पर कुत्ते लोगों को काट रहे हैं, विशेष रूप से बच्चों को अपना निशाना बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कुत्ते किस तरह से मुख्य सड़कों पर घूम रहे हैं, वहीं आवारा मवेशी भी घूमते हैं, लेकिन कोई देखने और सुनने वाला नज़र नहीं आता। परेशानी सभी को है, लेकिन जाएं तो जाएं कहाँ जहाँ नगर पालिका आग बंद करके कुंभकर्णी निद्रा में नजर आती है। नगर पालिका के सीएम इस समय छुट्टी पर हैं, ऐसे में कोई भी अधिकारी नगर पालिका में मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। वह हाथ जोड़ लेता है। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज़ दबाओ। दमोह कृषि उपज मंडी में भारतीय मजदूर संघ के द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर काफ़ी बड़ी संख्या में तलावटी मजदूर भी मौजूद थे। यहां पर विशेष रूप से धर्मेंद्र चौबे एवं रामेश्वर चौधरी मौजूद थे, जिनके द्वारा सभी उपस्थित तलावटी संघ के सदस्यों से स्थानीय मजदूरों से विशेष चर्चा की और उन्हें कुछ विशेष जानकारियाँ भी दी गईं। उनको हम प्रपत्र के माध्यम से आप लोगों के बीच में लाए हैं। मैं आग्रह करूंगा भारतीय मजदूर संघ के संभागी हमारे विभाग प्रमुख जी सम्मानित धर्मेंद्र चौबे जी हम सबको संबोधित करें और हम सबका मार्गदर्शन करें। माता की जय, भारत माता की जय। अब्दुल अवती संघ के अध्यक्ष श्री रामेश्वर चौधरी जी,
साथियों, भारतीय मजदूर संघ 70 वर्षों से मजदूरों के बीच में सदा ही काम करते आया है और मजदूरों के हितों के लिए दिन और रात मेहनत करता रहता है। हो सकता है आपके बीच में जो प्रदेश में जो निर्णय लिए गए हो उनका लाभ आपको मिल रहा हो, लेकिन हो सकता है हम लोग पहली बार आपके बीच में पहुंचे हैं और आप लोगों के लिए कुछ जानकारी देने के लिए पहुंचे हैं कि भारतीय मजदूर संघ का 70 वर्ष हो गए हैं। 70 वर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय मजदूर संघ प्रत्येक श्रमिकों के पास तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है कि हम प्रत्येक श्रमिकों तक अपनी। भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण होने पर हमारे संभागीय कार्यवाहक आदरणीय श्री धर्मेंद्र चौबे जी और हमारे भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री आदरणीय श्री चौबे जी कृषि उपज मंडी मल्ला मंडी में आए, मजदूरों से संपर्क किया और भारतीय मजदूर संघ ने जो 70 सालों में काम किया है उनको बताया है और सभी से आह्वान किया है कि भारतीय मजदूर संघ से जुड़े और कोई भी मजदूरों के लिए समस्या होती है तो भारतीय मजदूर संघ हमेशा तत्पर खड़ा है। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, ऐसा हमारे चौबे जी ने कहा है मजदूरों से। जो मजदूरों में बड़ा ही अति उत्साह आज उत्पन्न हुआ है और सभी मजदूरों ने आज ये प्रेरणा ली है कि भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन है जो देश के हित में काम करता है, सभी भारतीय मजदूर संघ से जुड़ेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं धर्मेंद्र चौबे जी का और चौबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर पर काफी बड़ी संख्या में तलावटी संघ के सदस्यों की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत एक छात्रा के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया था। बताया गया था कि छात्रा के साथ गैंगरेप भी हुआ था। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया था और इस मामले में कार्रवाई भी की गई थी। कुछ आरोपियों को पकड़ भी लिया गया था, लेकिन खास बात है कि जिस स्कूल में यह छात्रा पढ़ती थी उस स्कूल के लापरवाह शिक्षकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिला प्रशासन के द्वारा अपनी आंख बंद कर ली गई, शिक्षा विभाग को मुकरणी निद्रा में रहा जिसके चलते कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। खास बात यह भी है कि जब छात्रा स्कूल के मध्याह्न भोजन के समय उपस्थित नहीं थी, केवल बैग रखा हुआ था पाँचवें पीरियड तक, तो आखिर क्यों यहाँ पर कोई शिक्षक जो जिम्मेदार थे उनके द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया। काफ़ी देर के बाद जब संज्ञान लिया गया तो छात्रा एक पहाड़ के समीप देखी गई जिसे समझाया गया, लेकिन परिजनों को जानकारी नहीं दी गई। अगर समय रहते परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती या फिर पुलिस को जानकारी दी जाती तो शायद छात्रा ये कदम नहीं उठाती, क्योंकि परिवार के लोगों को जानकारी मिलने के बाद लगातार उनके द्वारा समझाने का प्रयास किया गया था, लेकिन छात्रा के द्वारा अप्रिय कदम उठाया गया इस बात की पुष्टि इस विद्यालय के प्राचार्य करते हैं कि उन्हें क्या क्या जानकारी थी, आइए आपको सुनाते हैं। ये उस दिन तो हम थे नहीं, मिसेस को लेकर दिल्ली गए थे, एम्स में इलाज चल रहा उनका जी। तो लेकिन जैसे हमें कल पता चला कि वो बच्ची जो है, हमें रात में पता चला है कि बच्ची ने सुसाइड कर ली है, और हमारे नाले में जैसी बात आई तो हमने अपने टीचर साथ से बात की तो इन लोगों ने बताया कि वो 3-4 दिन पहले वो बच्ची रिसेस के बाद कहीं चली गई थी। तो जैसे ही पाँचवा पीरियड शुरू हुआ तो इन लोगों ने देखा बच्ची का बैग रखा हुआ है, तुमने तत्काल तफ्तीश की और इन लोग देखने यहाँ वहाँ दौड़े चारों 3-4 शिक्षक। तो जैसे ही पहाड़ी से लौट रहे थे, वहाँ भागवत चल रही थी, तो उस वो बच्ची यहाँ नीचे करी पहाड़ी के नीचे मिल गई। तो इन लोगों ने उसकी बात कहा था काउंसलिंग की, उसको समझा कि बेटा पढ़ने आती स्कूल तो पढ़ाई पर ध्यान दो, सारी चीज़ें बताई तो बच्ची संतुष्ट हो गई। उसने कहा सर आपके बारे में गलती नहीं करेंगे, हम रोज़ स्कूल आएंगे, और उसके लिए क्षमा प्रार्थना भी की उसने। तो इसके बाद फिर वो बच्ची कल आई नहीं, परसों आई थी, कल नहीं, हाँ कल वो आई नहीं फिर बच्ची। पर हमें रात में पता चला कि ऐसी घटना घट गई है। देखने लायक होगा कब तक शिक्षा विभाग और कब तक जिला प्रशासन नींद से जागता और कार्यवाही तय करता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, दफा। जनपद पंचायत दमोह के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत जोरतला खुर्द, जहां पर लोग काफी परेशान हैं, इस गांव में एक नाली बनाई जा रही थी जिसके लिए जेसीबी बुलाकर नाली खोद तो दी गई, खोदने के बाद इसी तरह से इसे छोड़ दिया गया। इसका निर्माण कार्य नहीं हो रहा है, इसके चलते लोग काफी परेशान हैं। उनके घरों के सामने बड़ी बड़ी नाली है, लोग चोटिल हो रहे हैं, इस नाली में गिर जाते हैं। आप तस्वीरों में देखिए, ये वही नाली है जिसके चलते लोग परेशान हो रहे हैं।
जेसीबी से नाली तो खोदी गई लेकिन इसे दोबारा नहीं बनाया गया, जिसके चलते यहाँ से आने जाने वाले लोगों को भी खासी परेशानी है। मुख्य रास्ते पर ही मिट्टी पड़ी हुई है। एक माह का समय बीत गया है लेकिन अब तक कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। बताया जाता है कि स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की शिकायत भी की गई है कि आखिर क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अगर नहीं बनाया जाना था तो नाली खोदी क्यों गई थी, किसकी अनुमति से यह खोदी गई थी। इंजीनियर हों, सचिव हों, रोजगार सहायक हों, इसके अलावा सरपंच, जनपद पंचायत के अधिकारी आखिर क्यों इस पर ध्यान नहीं देते, जबकि ग्रामीण परेशान हैं। उनके घरों के सामने की स्थिति बस से बदतर है, जहां पानी भर रहा है, आने जाने में काफ़ी परेशानी है, वहीं पानी की पाइपलाइन को भी क्षतिग्रस्त किया गया। आइए सुन लेते हैं पीड़ित से ये किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, गांव वाले किस तरह के आरोप लगा रहे हैं, कब से खुला पड़ा हुआ है यह भी जान लेते हैं। इसके बाद में जी परेशानी और जी पानी भर जाता है, बच्चे निकलते हैं, कोई बच्चा फिसल के गिर जाए उसी में। कितने दिन से खुली डरी? एक सप्ताह हो गया। को करवा रहा था सरपंच? नहीं, सचिव थी। सचिव का नाम? सचिव को सचिव सरपंच दोनों को था, पर सचिव थे उसके साथ में। बोला नहीं कि भैया जी आप कम से कम इसकी तो ढाक दो? बोला तो था, कह रहे थे अब होगा। अरे तो कहिए एक हफ्ता से ऐसे ही डाले हो, कोई दुर्घटना घट जाए तो जो जिम्मेदार को है? हम लोग को तो अभी कुछ दिन, दो चार दिन नल बंद रहे थे, ऐसे में पानी लाने पड़ता था, चाबी तो लिंक पे नहीं बंद था। अरे हमारे पे नहीं बन रहा फिर तो तुम्हारे पे का बन? अभी तो थोड़ी थोड़ी पाँव जम गए, जब खुदी खुदी थी तब तो और ही नहीं बना, तो कई लोग तो गिरे हैं। हमारी माता राम तो और पाँव दर्द देश से एक बार गिर और गई थी। बुलाओ सरपंच हो लगा आपको। प्रेम भाई। प्रेम भाई कहाँ की निवासी हो? जोरतला। जोरतला के जी, आपके सामने जो नाली खुदी पड़ी है ये कब खोदी गई थी? एक हफ्ता हो गया। काय से खोदी गई थी? जीसी से। जीसी से कितने देर तक चली थी जीसी? सुबह से 8 बजे से हो गई थी चालू। क्या बजे तक रही? 5 बजे। 4-5 बजे तक। अच्छा तो ये जो मकान है किसका है ये? जो हाँ तो नाम भगवत सिंह। भगवत सिंह। तो निकलने में आने जाने में कोई परेशानी होती है? हैं ऐसे गिरत के का बताएं, तो उतना पड़ा नरों गिरी एक बार ऊपर सब माटी गिर गई, भोजो गिरो ऐसे गिर रहा है, ऐसे खोद के चले गए, उन्होंने गए आए नहीं जा। फिर आए नहीं जा में तो आए नहीं जाने। कौन सा गांव है जो? जोरतला। जोरतला। सरपंच को नाम नहीं है पता? तो को नहीं सरपंच तो करवांदी को है। करवांदी को है। हाँ। शुभ नाम क्या है आपका? दुर्ग सिंह, पूर्व सरपंच। पूर्व सरपंच किस गांव के हो? जोरतला खुर्द। जोरतला खुर्दे में ये तुम्हारे पीछे जो भवन बन रहा था ये क्या है? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी के अंदर ये अधूरी कब से पड़ी है? 23 सही से पड़ी है। 23 में लगा था काम। 23 में लग गया था काम। कितने लाख की है ये? करीबन 9 लाख की है। तो अभी तक कितना काम कब से अधूरा पड़ा? तभी 23 सही से। 23 सही से अभी कोई काम नहीं लगाया गया। कौन करवा रहा था? सरपंच। सरपंच। ये कालम कैसे खड़े हुआ? कालम में कितनी राडें हैं? छः राड हैं। कितने एमएम की हैं? वो है 12 एमएम। 12 एमएम है। जो बन कहाँ रही है? स्थान कौन सा है? मंदिर के पास। मंदिर के पास। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। बुंदेली जलमा महोत्सव का आयोजन तमोह तहसील ग्राउंड पर किया जा रहा है, जिसमें लगातार कलाकार एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देने के लिए आ रहे हैं। कई टीवी कलाकार होंगे तो एक से बढ़कर एक यहां पर फोक नृत्य किए जाएंगे। कला और संस्कृति का महासंगम, महाकुंभ जिसे कहते हैं कलाकारों का, बुंदेली जलवा महोत्सव 2024 होने जा रहा है। 22 दिसंबर 2024 को दमोह तहसील ग्राउंड पर
शाम ठीक 4 बजे से हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर यह आयोजन होगा। महिलाओं के बैठने की विशेष व्यवस्था होगी। सुरक्षा की तमाम तरह के प्रबंध किए गए। सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार आपके अपने मंच दमोह के मुंदेली जलवा महोत्सव के इस मंच पर होने वाले तमाम तरह के जलवों को देखने के लिए। दमोह के तहसील ग्राउंड पर जरूर पहुंचे 22 दिसंबर 2024 शाम 4 बजे से। मोहन सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूर्ण करने के बाद दमोह में लगाई गई योजनाओं की प्रदर्शनी। दमोह नगर पालिका से अलाव की व्यवस्था में भारी परेशानी। ग्राम पंचायत और विकास के नाम पर हो रहा है भ्रष्टाचार, नहीं हो रहा है विकास। पथरिया में छात्रा से गैंगरेप मामले में शिक्षा विभाग कुंभकर्णी निद्रा में, अब तक नहीं कर पाया कोई जांच। ये थे बेटा की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम बनाए हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यार, जो दिल खोल कर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोल कर चलाने की आजादी। मी हॉर्स, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।